एवन पंजाबी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हुण नज़र मारदे अज दीआं खास खबरां ते। अमेरिका विच पिछले 24 घंटिआं विच 1303 लोकां दी मौत होण तों बाद मृतकां दी गिणती 56,000 तों पार हो गई है। अमेरिका विच भयानक बीमारी दे पीड़ितां दी गिणती 1,10,507 हो गई है अते पिछले 24 घंटिआं विच 1303 लोकां दी मौत होण तों बाद मरण वाले की कुल गिनती 56,803 हो गई है, जदों की 1,39,162 लोग ठीक हो चुके ने। उधर इटली विच हुण तक भयानक बीमारी नाल मरण वाले की गिनती 26,997 हो गई है, जदों की 1,99,414 लोग इस भयानक बीमारी नाल पीड़ित दसे जा रहे ने अते 66,224 लोगों के ठीक होने की खबर मिली है। न्यूजीलैंड विच 3 नवे मामले सामने आने तो बाद पीड़िता की कुल गिनती 1,472 हो गई है, जदों की 19 लोगों की इस भयानक बीमारी नाल मौत हो चुकी है अते 1,214 लोग ठीक हो चुके ने। पाकिस्तान विच हुण तक 14,079 लोग इस भयानक बीमारी नाल पीड़ित दसे जा रहे ने, जिन्हां विचों 301 लोगों की मौत हो चुकी है, जदों की 3233 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके ने। भारत विच हुण तक 29,451 लोग पीड़ित दसे जा रहे ने, जिन्हां विचों 939 लोगों की मौत हो चुकी है, जदों की 7,137 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके ने। हुण गल करदे आं पंजाब दी, जिथे पीड़िता की गिनती लगातार वधदी जा रही है ते पीड़िता की गिनती हुण 330 तों पार हो चुकी है, जदों की 19 लोगों की मौत हो चुकी है ते 70 तों वध लोग ठीक हो के अपने घरां नूं जा चुके ने। अज नवे मामले सामने आने तो बाद सूबे विच डर दा माहौल बन गया। मोहाली विच इक होर नवा मामला सामने आने तो बाद मरीजा दी कुल गिनती 65 हो चुकी है। कपूरथला विच इक बार फिर तो 3 नवे मामले सामने आए ने। इको परिवार दे 3 लोग पॉजिटिव पाए गए ने, जिन्हां विच इक 38 साल दा व्यक्ति, इक 58 साल दा औरत अते इक 11 साल दी बच्ची शामिल है, जो कि श्री हजूर साहिब तो वापस परते ने। मिली जानकारी तो पता लग्या कि कपूरथला दे कुल 11 श्रद्धालु वापस परते ने, जिन्हां विचों इको परिवार दे 3 लोकां दी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तरनतारन विच भयानक बीमारी दे 8 मामले सामने आए ने, जिन्हां विच 7 श्रद्धालु श्री हजूर साहिब तो वापस परते ने ते इक औरत पिंड बासरके दी रहण वाली दसी जा रही है। लुधियाना के मैरिटोरियस स्कूल विच बनाए गए आइसोलेशन वार्ड विच कोटा तो वापस आए लुधियाना के विद्यार्थियों का मैडिकल टेस्ट किया गया। उधर बठिंडा विच भी कोटा राजस्थान विच फसे 25 विद्यार्थियों वापस आने ते होटल मैनेजमेंट के कमरे विच एकांत वास्ते रखा गया अते बाद विच उन्हां दा भयानक बीमारी का टेस्ट किया गया। इस दे नाल ही 50 साल तो उपर वाले पुलिस अधिकारियों का भी टेस्ट करवाया गया। SMO डॉक्टर अमरीक सिंह ने पत्रकारां नूं अपना टेस्ट करवाउण दी सलाह दित्ती। सारे विद्यार्थियों नूं बसां राही वापस लिआंदा गया सी। बरनाला विच 29 साला भयानक बीमारी दी शक्की औरत दी अचानक मौत हो गई है। जानकारी दिंदे होए सिविल हस्पताल दे SMO ते जिला सेहत अधिकारी डॉक्टर ज्योति कौंसल ने दस्सिया कि तनौला की एक औरत इलाज लिए तनौला के हस्पताल विच आई सी, पर उत्थे उसकी हालत नाजुक होने तो बाद उसनू पटियाला के रजिंद्रा हस्पताल विच रैफर कर दिता गया सी, जिथे उसके सैंपल टेस्ट लई लैबोरेटरी भेज दिते गए सन, पर अचानक अज उसकी मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री ने मृतक ड्राइवर मनजीत के परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। PRTC के चेयरमैन KK शर्मा ने जानकारी देते हुए दसिया कि पिछले दिन श्री नदेड़ साहिब विखे फसे श्रद्धालुओं वापस लियाउण लई पटियाला तो 32 बसा रवाना कीतियां गईयां सन, जिन्हां विचों एक ड्राइवर की रस्ते विच दिल का दौरा पैण कारण मौत हो गई सी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुख जताउंदे हुए उसके परिवार को 10 लाख रुपए की ग्रांट देने का ऐलान किया। मैं अपने ये मोढ़िया से गोढ़ियों तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी, मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं ही रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके,
ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਓਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।